प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाते वक्त कांग्रेस के नेता अक्सर ऐसा कुछ बोल जाते हैं जो पार्टी के लिए मुसीबत बन जाता है। 2014 में लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर ने मोदी को चायवाला कहकर चैलेंज किया था, उसका नतीजा हर किसी ने देखा। अब 2019 के पहले कांग्रेस के दूसरे बड़बोले नेता शशि थरूर पीएम मोदी को चायवाला कहकर अपने लिए मुसीबत मोल ले चुके हैं। सबसे पहले आज ये खबर क्यों बता रहे हैं आप जान लीजिए। शशि थरूर ने कहा कि आज एक चायवाला देश का पीएम बना है तो ये नेहरू जी की देन है। शशि थरूर ने कहा कि नेहरू जी ने देश का ढांचा इतना मजबूत बनाया कि आम आदमी भी ऊंचे पद तक पहुंचने की सोच सकता है। शशि थरूर ने जिस प्रोग्राम में ये बात कही उसमें सोनिया गांधी भी मौजूद थी। सोनिया गांधी ने मोदी का नाम लिए बगैर कहा कि नेहरू जी की विरासत और मूल्यों को कम करने की कोशिश करने वालों से डट कर लड़ना होगा। सोनिया गांधी को बीजेपी ने जवाब दिया और कहा कि कांग्रेस को गांधी परिवार के अलावा कुछ नहीं दिखता है। सिंगापुर में मौजूद पीएम मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती के मौके पर उन्हें याद करते हुए आजादी की लड़ाई में उनके योगदान का जिक्र किया। लेकिन देश के अंदर नेहरू के नाम का इस्तेमाल पीएम मोदी को ही निशाना बनाने के लिए किया गया। If today we have a Chaiwala as Prime Minister, it's because Nehru ji made it possible to create the institutional structures through which any Indian can aspire to and rise to the highest office in the land. थरूर के इस बयान ने बीजेपी को एक बार फिर कांग्रेस को घेरने का मौका दे दिया। कांग्रेस को एक घराने के बाहर कुछ नहीं दिखता, यानी वो महात्मा गांधी जी का नाम नहीं लेते, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम नहीं लेते, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम नहीं लेते। देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, लेकिन लोकतंत्र की बुनियाद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और पूरे घटना समिति ने, संविधान समिति ने दी, जिसके कारण इस देश में लोकतंत्र कायम हुआ। ये पहला मौका नहीं है जब थरूर के शब्द कांग्रेस के लिए मुसीबत बन गए हैं। कुछ दिन पहले ही थरूर ने पीएम मोदी की तुलना शिवलिंग पर बैठे बिच्छू से की थी और विवादों में घिर गए थे। तो शशि थरूर को ये कहने में गर्व महसूस होता है कि नेहरू जी की वजह से एक आम आदमी देश का प्रधानमंत्री बन पाया। यहाँ एक सवाल थरूर से पूछा जाना चाहिए। सवाल ये है कि देश के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर नेहरू जी ने जो भी किया और जो रास्ता दिखाया, क्या कांग्रेस खुद उस पर चलती है? इस सवाल का जवाब आपको हमारी अगली रिपोर्ट में मिल जाएगा। जब भी कांग्रेस आरोप लगाती है तो वो ये भूल जाती है कि सामने वाले पर एक उंगली उठाते वक्त ये जो बाकी की उंगलियां हैं वो खुद की तरफ रहती है। कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष राहुल गांधी को पार्टी की कमान विरासत में मिली। उनके पहले उनकी मां सोनिया गांधी करीब 19 साल तक कांग्रेस अध्यक्ष बनी रही। तो क्या ये मान लिया जाए कि बीते 20 सालों में कांग्रेस में ऐसा कोई नेता नहीं हुआ जिसे प्रधानमंत्री तो दूर कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचने लायक समझा जाता? 2004 में जब कांग्रेस को सत्ता मिली और सोनिया गांधी ने विदेशी मूल के मुद्दे की वजह से प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया तो वही मणिशंकर आंसू बहा रहे थे जिन्होंने 4 साल पहले मोदी को चायवाला कहा था। ...2004 में सोनिया ने प्रधानमंत्री के लिए मनमोहन सिंह को चुना। क्या उस वक्त सोनिया गांधी को नेहरू के उन मूल्यों की याद नहीं आई जिनकी वजह से किसी आम आदमी या जमीनी नेता को ऊंचे पद तक पहुंचने का मौका मिल पाता? या फिर उस वक्त भी कांग्रेस में ऐसा कोई नेता था ही नहीं? और इतिहास को छोड़िए, कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्षों को ही देख लीजिए। राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट बड़े कांग्रेसी नेता राजेश पायलट के बेटे हैं। मध्य प्रदेश के अध्यक्ष कमलनाथ 9 बार के सांसद और पूर्व मंत्री हैं। फिल्मों से राजनीति में आए राज बब्बर पहले समाजवादी पार्टी में थे, वो कांग्रेस में आए तो उन्हें यूपी की कमान सौंप दी गई। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक चव्हाण पूर्व मुख्यमंत्री शंकर राव चव्हाण के बेटे हैं। झारखंड के एक पूर्व आईपीएस अधिकारी अजय कुमार को कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया गया।
कर्नाटक में पूर्व सीएम आरजी राव के पुत्र दिनेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं। यानी कांग्रेस अपने यहाँ तो सिर्फ नेता पुत्रों और जमे जमाए लोगों को ही आगे बढ़ाती है और बीजेपी पर तंज करती है कि नेहरू की वजह से ही चायवाला प्रधानमंत्री बन पाता है। पीएम मोदी पर कांग्रेस नेताओं के ज्यादातर बयान आप देखेंगे और सुनेंगे, यानी 2014 से पहले मणिशंकर से लेकर कल आए थरूर के बयान तक, सब में एक भावना कॉमन है, एक चाय वाला कैसे पीएम बन गया, यही भावना। शायद वो ये बात अब तक पचा ही नहीं पाए हैं। आज का मास्टर स्ट्रोक सवाल भी है और कांग्रेस को चैलेंज भी है कि जवाहरलाल नेहरू के ही वास्ते कांग्रेस बनाएगी चाय वाले को पार्टी अध्यक्ष। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।